घुटनों के टेढ़ेपन की वजह से जिन मरीजों की समस्या होती है उनके लिए अच्छी खबर है। घुटने की टेढ़ेपन को दूर करने के लिए शनिवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में गोरखपुर आर्थोपेडिक क्लब के माध्यम से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महानगर के जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे, जिन्हें हेड ऑफ आर्थोपेडिक यूनिट मूलचंद मेडिसिटी नई दिल्ली डॉक्टर मनोज कुमार ने टेढ़े मेढ़े घुटनों को दुरुस्त करने के लिए वीडियो के माध्यम से जरूरी उपाय बताए। इस अवसर पर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर अग्रवाल सहित जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा, आज शाम हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि नई दिल्ली के मूलचंद अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर मनोज कुमार हमारे बीच उपस्थित हैं, जो घुटने की हमारे क्लब के वरिष्ठ सदस्य मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हेड डॉक्टर आर्य अग्रवाल सर और दूसरे ही गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत मल्होत्रा मौजूद हैं। समाज के लिए हम लोग जागरूक हैं, अपने कुछ कर्तव्य के दायित्व निभाते रहते हैं। इस विषय पर कुछ थोड़ी सी जानकारी देने के लिए मैं अपने सहयोगी सचिव डॉक्टर अशोक यादव से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस के माध्यम से जनता के लिए किए जा रहे गोरखपुर ऑर्थोपेडिक क्लब के द्वारा जो कार्य है उसके विषय में जानकारी दे दें और उसके बाद हमारे दोनों ही वरिष्ठ सदस्य अपने विचार देंगे और आखिर में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मनोज कुमार, उनका जनता के नाम आज के इस लेक्चर से संबंधित क्या संदेश है वो रिकॉर्ड होकर के कल गोरखपुर चैनल पर प्रसारित होगा और मेरा अनुरोध है डॉक्टर अशोक यादव से कि वो इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। यहाँ के लोगों के लिए कुछ बताए, कुछ और बारी चीजों को बताए। हालांकि यहाँ पे जो यंग एंथुसियास्ट सर्जन है वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बारीकियाँ सीखने को मिले तो बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूंगा कि हमारे विभागाध्यक्ष महोदय श्री मल्होत्रा सर, डॉक्टर मल्होत्रा सर, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इट हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसीजर एंड देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट and we should thank him for coming over to this place and increasing our knowledge. He's coming to us for a very long time. His guru, Dr. Raj Gopal, used to come for many years in Gorakhpur in my hospital. With that he used to come the Gorakhpur in our hospital. He's a very expert arthroscopic surgeon, especially in the arthroscopy and knee replacement. We welcome him. Far away place and has been our custom, we welcome our guest with a floral bouquet. फूलों की भाषा से अपने सम्मान को जाहिर करना हमारी मान करें। I was in Kanpur and in the year 2000, I had organized an arthroscopy workshop in a very small subdivisional railway. Gorakhpur is not a new city for me, and as Dr. Swadhara wrote, so this city is revenue. We have a good number of surgeons who are already performing replacement surgery. Right side, this picture actually shows already has been operated, right side. And the left side is still, she has got severe welter. And generator makeup, we don't see this kind of patient, usually don't reach to this stage or they don't come to the doctor. Once they have decided that they will not. When you are recuperative, there are stretched posterior structures. So you have to do a lot of extensive release on the lateral side, minimal release on the medial side. So what you need is hinge joint, you need to not be connected. Because before you make bony cuts, you have to correct the tissue balancing. So sometimes you have to do lateral epicondylar osteotomy. When I saw this lady first, she has got severe varus deformity on the right side and valgus deformity on the left side. And she has a tibia nail which was done 18 years back. It has been done. I don't have the video before the first surgery, but this is the latest video before the final surgery. See how she is. You have to be visible. So, but she has a good build power. Third day, she is a
So she is hardly able to walk, taking short steps. So these kind of deformities, they are not uncommon. We see a lot of them. So stable joints. First, she is able to walk now. Her legs are straight now. She can walk without pain, quite comfortably. शहर आ रहा है, फिर दिवाली आएगी, फिर झाड़े आ जाएंगे, तो ऐसे तो बहाना चलता रहेगा. तो बोले कब कराएं? द डे यू फील दैट आई एम मिजरेबल, इनफ इज इनफ. जब आप अपने बेटे से कहो जी बहुत हो गया, दैट इज द राइट डे. सो यू विल, यू कैन चेंज द लाइफ ऑफ देम टोटली, दे बिकम पेन फ्री. सर्जरी इटसेल्फ इज वेरी गुड, पेशेंट इज कोऑपरेटिव. स्ट्रेट, शी इज एबल टू वॉक कंफर्टेबली. So I requested them to send the video content of physio and articular fracture. Again with a severe valgus and genu recurvation. So I have to use a hinge joint with stem extension into the femur as well as in the tibia. आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो घुटने का जोड़ है उसका जो रिप्लेसमेंट होता है, प्रत्यारोपण होता है, उसमें आजकल क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, नई नई तकनीक्स क्या चेंजेस हो रहे हैं. और हम ये दिखाना चाहते हैं कि ख़राब से ख़राब घुटना भी, जो बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया है, पेशेंट बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, बिल्कुल उसका चलना फिरना बंद हो गया है, वो लोग भी फिर से वापस चल सकते हैं बिना दर्द के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सपोर्ट के. मोदी जी ने एक गरीब जनता के लिए, जो लोग अपने लेवल पर जो दवाइयों का खर्चा और हॉस्पिटल में भर्ती होने का खर्चा नहीं उठा पा सकते हैं, उनके लिए नई स्कीम शुरू की है, जिसको आयुष्मान भारत नाम दिया गया है. उसके अंतर्गत जो बड़े बड़े ऑपरेशन्स हैं, उनकी जो खर्चे की एक लिमिट बना दी गई है, जो सरकार के द्वारा ही बहुत कम अमाउंट के बीमे पर उनको दी जाएगी. उसके तहत ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये ऑपरेशंस, जैसे घुटना बदलने वाला ऑपरेशंस, बहुत कम कीमत पे किया जाएगा. और वैसे भी मोदी सरकार ने अभी कुछ समय पहले घुटने की जो कीमत है, आर्टिफिशियल जॉइंट, जो कृत्रिम जोड़ डाला जाता है, उसको बहुत कम दामों पर फिक्स कर दिया है. उससे ज़्यादा कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई चार्ज नहीं कर सकता है. तो इसका फ़ायदा आजकल लोगों को मिल रहा है, और घुटने बदलवाने का जो ओवरऑल जो खर्चा है, वो पहले से काफ़ी कम हो गया है. आज का जो चर्चा का विषय है, वो जोड़ बदलना, घुटने का जोड़ बदलना, उसमें क्या क्या तकनीक्स हैं, उसी के ऊपर आधारित है.